उनके पास दो तीन संस्थाओं के सिवा कोई राजनीति बची नहीं है, लेकिन हम लोग को न्यायालय पर भरोसा है। एक कहा है ना कल जज साहब ने कि चुनाव आएगा तो आप किसी को बंद कर दीजिएगा। क्या कर लीजिए, क्या रिमार्क्स हो रहे हैं, क्या रिमार्क हो रहे हैं। इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था, जो प्रशासकीय व्यवस्था है, वो संविधान और विधान के तहत ही कार्य करे तो इस देश को चलने चलाने में वर्तमान और भविष्य इस देश का बचेगा। वरना संवैधानिक संस्थाएं किसी भी वर्तमान सरकार के केवल इसलिए कि वह विरोधियों को ख़त्म कर दे, त्रस्त कर दे, इसके लिए नहीं बनी है। और भारत के संविधान में चेक और बैलेंस कोई सर्वोपरि नहीं है संविधान और विधान के सिवा। और जहाँ इस पर संकट आते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो कानून और संविधान की व्याख्या है वो सर्वोपरि होती है। चल रहा है देश को नष्ट करने वाले इस देश की आस्था खत्म कर देना चाहते हैं। संविधान के में जो आस्थाएं हैं, देश में अपनी जो आस्थाएं हैं लोगों की निजी जीवन की, सबको ख़त्म कर करके व्यवस्था को ये लोग भंग कर रहे हैं। और दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है कि व्यवस्थापक व्यवस्था को समाप्त कर दें, लेकिन ये सचमुच भारत के प्रतिनिधि नहीं है उन्मादी और दंगाई लोग। यह नीतियों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, यह केवल संस्थाओं को समाप्त करने और संस्थाओं का सहयोग लेकर के किसी के व्यक्तित्व को छोटा नहीं कर सकते हैं। जिस इंसान की बीमारी पर लगता था कि देश बीमार हो गया, माफ करना, सब बैठे हो, दुनिया ने देखा है, सबकी चिंता, लालू का क्या होगा, लालू लौटो, देश की जरूरत है तुम्हारी, तो अस्पतालों से मुक्त होकर के देश को राह दिलाने के लिए जो लोगों की आशा का केंद्र है लालू प्रसाद, अब ये लोग समझते हैं कि कोई नई चीज़ पैदा करके फिर से कहीं जेल उनमें बंद कर दिया जाए और किसी अंग को फिर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन भूलो मत दंगाइयों उन्मादियों, 2 मई 2021 से बंद कर दिया गया जयप्रकाश आंदोलन के सबसे बड़े दिन इस देश को लालू प्रसाद और जयप्रकाश जी ने सत्ता को बदलाव किया था। किडनी से बीमार बीपी सिंह, किडनी से बीमार लालू जी की किडनी खत्म, शरद यादव की किडनी खत्म, आखिर है क्या मामला। और हमारी जो आदि समाजवादी आंदोलन के आज़ादी के बाद सबसे बड़े हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वही हालत, क्या मामले भाई। कहीं पर ये लगता है कि जो जनता के भीतर से विश्वास ख़त्म नहीं कर पाते हैं वह शारीरिक रूप से कहीं न कहीं षड्यंत्र के द्वारा इस काम में सफल हो जाते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।